भी हमको देखने को मिला कि क्यों अविश्वास प्रस्ताव जो हम लाए हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों हम मजबूर हुए हैं। आज सदन के नेता को बोलने दिया गया और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए जवाब देने के लिए उनको बोलने नहीं दिया गया। हालांकि चेयरमैन साहब ने उनको संबोधित किया कि आप बोलिए, पर उनको बोलने नहीं दिया। और आज जो राज्यसभा स्थगित किया गया है 2 बजे तक, एक ही कारण है और वो कारण है नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये दलितों का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है, एक वरिष्ठ नेता का अपमान है। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चला सकते हम, एक तरफा। और जब विपक्ष खड़ी होती है तब चेयरमैन साहब कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। और जब सरकार की ओर से सदन के नेता खड़े होते हैं और सांसद खड़े होते हैं तब सभी रिकॉर्ड पर जाता है, सबको बोलने दिया जाता है, पूरा मौका दिया जाता है। ये एक तरफा तरीका जो सदन चलाया जा रहा है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आज LOP का घोर अपमान हुआ है, खड़गे जी का, कांग्रेस अध्यक्ष जी का, देश के एक बड़े दलित नेता का। और 16 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होने वाली है, कल लोकसभा में चर्चा होने वाली है और एक दिन पहले ही आप देश के सबसे बड़े दलित नेता को ऐसा अपमान कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वही बात उठा रहे हैं, बस वो उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये अडानी के मामले से ध्यान हटाना चाहते हैं, उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, JPC की मांग का नजरअंदाज किया जा रहा है। और अडानी के मामले में जो रोज कुछ ना कुछ नए खुलासे आते हैं उस पर प्रधानमंत्री ने, सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, बार बार कई बेबुनियादी बातें कर रहे हैं सोरोस को लेकर। सोरोस का और प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री सलाहकारों का विशेष रिश्ता है और इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान हटाने के लिए नहीं है, डाइवर्शनरी टैक्टिक है जिसमें BJP बहुत माहिर है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि LOP खड़गे जी ने चेयरमैन साहब से वक्त मांगा, बोलने की कोशिश की पर चिल्लाने लगे सारे BJP के सांसद और उनको बोलने नहीं दिया और चेयरमैन साहब ने रोका भी नहीं उनको और एकदम उन्होंने 2 बजे तक स्थगित कर दिया। हम तो चाहते हैं कि सदन चले, पर हम चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की क्या रणनीति होगी वो बताएं।